गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक और सीरीज लेके आए हैं। उसमें हम कुछ वर्ड्स कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपका सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो फर्स्ट सेंटेंस है, एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ, फेयर और रीजनेबल। ठीक है, जो कानून की नजर में एक्सेप्टेबल है उसको क्या कहा जाता है? वैलिड। एक्सेप्टिंग एंड क्लोजली फॉलोइंग द ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ ए रिलीजन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पुराने बिलीव्स हैं किसी धर्म के, उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है, उसको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। ऑर्थोडॉक्स का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है रूढ़िवादी। सो रूढ़िवादी लोग जो होते हैं वो बेसिकली जो पुराने रिलीजन होते हैं, जो पुराने पुराने जो आपके ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं उनको क्लोजली मतलब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। थर्ड है एन एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन, किसी डेड पर्सन को दफन करना, उसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरमेंट। इंटरमेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है दफन करना। An act of carefully watching someone or something especially in order to prevent or detect a crime. ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मतलब किसी के ऊपर अपनी निगरानी रखना ताकि किसी क्राइम को होने से बचाने के लिए, तो उसको सर्विलेंस कहा जाता है। सर्विलेंस मतलब किसी के ऊपर वॉचफुल रहना, किसी के ऊपर नजरें लगाए रखना, निगरानी करना उसकी। An act of causing two people or groups to become friendly again after an argument or disagreement. मतलब दो लोग किसी आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट के बाद दोबारा से फ्रेंडली यानी दोस्त बन जाते हैं, उसको कहा जाता है रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है फिर से मेल या मिलाप करना। मतलब इनिशियली उनके बीच में, दो फ्रेंड्स के बीच में कभी आर्गुमेंट हुई, फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया, देन अगेन कुछ टाइम बाद वो अगर दोबारा फ्रेंडली बन जाते हैं तो उसको रिकंसिलेशन कहा जाता है। रिकंसिलेशन का हिंदी में मीनिंग होता है मिलाप, मतलब फिर से वो दोबारा दोस्त बन गए हैं, फ्रेंडली बन गए हैं। नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ कमिटिंग ए सीरियस क्राइम सच एज मर्डर और रेप। ठीक है, कोई सीरियस क्राइम कमिट करना, मर्डर या रेप, उसको फेलोनी कहा जाता है, आपराधिक कार्य। सो फेलोनी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो आपराधिक कार्य होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग डेलिबरेटली सो दैट इट डज नॉट वर्क करेक्टली। किसी चीज को जानबूझकर डैमेज करना या डिस्ट्रॉय करना ताकि वो पूरी तरह काम ना कर सके, प्रॉपरली काम ना कर सके, उसको कहा जाता है सैबोटेज। सैबोटेज मतलब होता है बिगाड़ना या ध्वंस करना, किसी चीज को पूरी तरह खराब कर देना। एन एक्ट ऑफ एंडिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए वर्कर और ए ग्रुप ऑफ वर्कर। सो किसी का भी मतलब रोजगार या एम्प्लॉयमेंट, किसी भी ग्रुप का या किसी वर्कर का एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देने को कहा जाता है ले ऑफ। कई बार आपने सुना भी होगा कि कंपनी ले ऑफ वर्कर्स करके ऐसे लिखा था सेंटेंस, उसका यही मीनिंग होता है कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, उनका जो रोजगार है वो कंपनी ने खत्म कर दिया है। एन एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग, किसी चीज को एक्सप्लेन करना के प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का क्या मीनिंग होता है? एन एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। An act of getting money back from people it has been paid to. मतलब एक प्रोसेस है जिसको आपने कभी पैसे दिए थे या कुछ भी मनी दिए थे, वो उसको उस व्यक्ति के द्वारा वापस क्या किया जा रहा है, मनी किया जा रहा है उसको, जिसको दिया गया था उसको कहा जाता है क्लोबैक। क्लोबैक क्या है? The act of getting money back from people it has been paid to. Next, an act of going or traveling to a place away that is different from the usual or planned way. Suppose हमने एक planned way
डेस्टिनेशन क्या है कि दिल्ली से हम इस प्लैंड वे में जाएंगे रेवाड़ी तक, बट हम क्या कर रहे हैं कि हम उस प्लैंड वे के अकॉर्डिंग ना ट्रेवल करके हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा रास्ता ले रहे हैं, तो उसको डिटोर कहा जाता है। किसी चीज से बचने के लिए लंबे रास्ते का अनुसरण या घुमावदार रास्ता कहलाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली इट इज ए प्रोसेस ऑफ अवॉइडिंग समथिंग, किसी चीज को अवॉइड करने की प्रोसेस को कहा जाता है डिटोर। किसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं ताकि हमें वो चीज फेस ना करनी पड़े, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिटोर। ठीक है, एन एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिजीज, इलनेस और प्रॉब्लम बाय एग्जामिनिंग समवन और समथिंग, एक प्रोसेस है उसको डायग्नोसिस कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं डिजीज को जांच करते हैं भाई, उसकी पूरी तरह से अच्छे से एनालाइज करके उस चीज को क्या प्रॉब्लम है उस चीज को फाइंड आउट करते हैं, उसी को डायग्नोसिस प्रोसेस कहा जाता है। एन एक्ट ऑफ इलीगली कॉपिंग समवंस प्रोडक्ट और इन्वेंशन विदाउट परमिशन, मतलब किसी और का प्रोडक्ट है हम उसको क्या कर रहे हैं इलीगली अवैध रूप से हम क्या कर रहे हैं उसको कॉपी कर रहे हैं, उस चीज का मतलब उस चीज की एक और कॉपी बना के हम उस चीज को बेच रहे हैं बिना उस व्यक्ति की परमिशन के, उसको कहा जाता है पायरेसी। एन एक्ट ऑफ नो लॉन्गर केयरिंग फॉर और यूजिंग और डूइंग समथिंग, फेलियर टू डू वंस जॉब और ड्यूटी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी ठीक से कर नहीं पाता उसमें वो फेल हो जाता है और वो मतलब पूरी तरह उस चीज पर फोकस नहीं कर पाता, उसको कहा जाता है डिरिलिक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है, एन एक्ट ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग समवन विद ए क्राइम, मतलब ऑफिशियली आप किसी के ऊपर एक क्राइम का जो आरोप है वो लगा रहे हो, उसको कहा जाता है इंडिक्टमेंट। तो इंडिक्टमेंट का ये बेसिकली एक इंग्लिश में जो वर्ड मीनिंग होता है, ए रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेस समबडी ऑफ ए क्राइम, मतलब एक रिटन वे में एक पेपर होता है उसमें हम ऑफिशियली कहते हैं कि हम इसके ऊपर ये वाले क्राइम चार्जेस और एक्यूज कर रहे हैं उस बंदे को। एन एक्ट ऑफ प्रिंटिंग ए स्टेटमेंट अबाउट समबडी दैट इज नॉट ट्रू एंड दैट गिव्स पीपल ए बैड ओपिनियन ऑफ देम, लाइबेल। आपने ये वर्ड न्यूज़पेपर में भी बहुत बार सुना होगा लाइबेल। लाइबेल का एक्चुअल मीनिंग होता है हम किसी व्यक्ति के मतलब किसी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसको चोट पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं उसके बारे में एक गलत स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं जो एक्चुअल में गलत है, बट एक्चुअल में वो चीज ट्रू नहीं है। तो उस व्यक्ति की हम जब प्रतिष्ठा को या उसके अभिमान को हम जब ठेस पहुंचा रहे हैं उसके बारे में गलत प्रिंट करके, जिससे कि लोग ये सोचे कि वो व्यक्ति के बारे में गलत ओपिनियन ले, उसको कहा जाता है लाइबेल। लाइबेल का जब आप हिंदी में मीनिंग ढूंढोगे तो उसका मीनिंग होता है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाते हुए उसके विषय में कुछ गलत प्रकाशित करने का कार्य, अपमान लेख कह सकते। An act of punishing or harming somebody in return for what they have done to you and your family or friend. Vengeance. तो vengeance का मीनिंग होता है आप जब किसी व्यक्ति को मतलब बदले की भावना भी कह सकते हैं, किसी को आप हार्म पहुंचाते हो इन रिटर्न, उसने आपके साथ कभी गलत किया है तो आप भी उसके साथ कुछ गलत करने की भावना रखते हैं तो उसको vengeance कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।